दोस्तों, कार्यालय प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी उदवंत नगर भोजपुर द्वारा विद्यालय में शिक्षकों की दैनिक उपस्थिति से संबंधित एक आदेश जारी किया गया है, जिसके आलोक में हम आपको आकस्मिक अवकाश से संबंधित नियम समझाएंगे। हालांकि हमारे चैनल पर पहले से एक वीडियो अवेलेबल है CLSL रूल के नाम से, जिसमें हमने आपको आकस्मिक अवकाश और विशेष अवकाश से संबंधित सभी प्रमुख नियम समझाए थे। लेकिन आज का यह वीडियो भी आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट है, जो आपके आकस्मिक अवकाश की समझ को एक विस्तार देगा। कार्यालय प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी उदवंत नगर भोजपुर द्वारा सभी विद्यालय के प्रधानाध्यापक को और प्रभारी प्रधानाध्यापक को यह आदेश दिया गया है कि विद्यालय के समस्त शिक्षकों की दैनिक उपस्थिति ससमय सुनिश्चित किया जाए। 9:20 से पहले पहले निर्मित ग्रुप में उपस्थिति पंजी का फोटो खींचकर भेजा जाना आवश्यक है। वर्तमान में विद्यालय का जो समय है वह सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक है, यानी 20 मिनट का समय दिया गया है। इस अवधि में उपस्थिति पंजी का फोटो खींचकर भेजना आवश्यक होगा। अगर 9:20 के बाद उपस्थिति पंजी का फोटो ग्रुप में भेजा जाता है तो यह माना जाएगा कि उस विद्यालय के प्रधानाध्यापक या प्रभारी प्रधानाध्यापक विद्यालय विलंब से आए हैं। इस तरह 3 दिन होने पर सभी का एक आकस्मिक अवकाश अंकित किया जाएगा। इस नियम के आलोक में मैं कहना ये चाहता हूँ कि आकस्मिक अवकाश जरूरी नहीं कि तभी माना जाएगा जब आप पूरे दिन एब्सेंट हों। अगर आप निर्धारित समय से मात्र 20 मिनट विद्यालय देरी से आते हैं तो आपके 3 दिनों का विलंब एक आकस्मिक अवकाश घोषित कर दिया जाएगा। इस प्रकार आपके कुल आकस्मिक अवकाश में से एक अवकाश की कटौती कर ली जाएगी। दोस्तों, यह नियम शिक्षा विभाग में नहीं बल्कि हर विभाग में है। जहां बायोमेट्रिक है या समय का कठोरता से पालन किया जाता है, हर विभाग में ऐसे नियम लागू होते हैं। 3 दिनों का विलंब एक आकस्मिक अवकाश माना जाता है। आगे प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा कहा गया है कि यदि कोई शिक्षक उक्त समय तक विद्यालय नहीं आते हैं तो उनका कॉलम खाली रखते हुए 9:20 तक ग्रुप में भेजा जाएगा। यदि शिक्षक 9:20 से 10 बजे तक विद्यालय में आ जाते हैं तो उनके आने का समय अंकित करते हुए उपस्थिति बनवा देना है। नहीं आते हैं तो अनुपस्थिति अंकित कर पुनः 10 बजे पंजी अंतिम रूप से भेज देना है। यानी जिस समय शिक्षक विद्यालय पहुंचेंगे वही समय उपस्थिति पंजी में अंकित करना है और अंतिम रूप से 10 बजे उपस्थिति पंजी का फोटो व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना है। यह जिम्मेदारी विद्यालय के प्रधानाध्यापक को दी गई है। अगर किसी कारणवश विद्यालय के प्रधानाध्यापक अनुपस्थित हैं, आकस्मिक अवकाश में हैं, तो अन्य शिक्षकों से अपने व्हाट्सएप ग्रुप में विद्यालय के प्रधानाध्यापक उपस्थिति पंजी का फोटो मंगवाएंगे, फिर पुनः संबंधित ग्रुप में शेयर करेंगे। यानी यह जिम्मेदारी पूर्ण रूप से विद्यालय के प्रधानाध्यापक को दी गई है। अगर वे विद्यालय में अनुपस्थित हैं, फिर भी उसे ही उपस्थिति पंजी का फोटो भेजना है। एक और बात याद आया कि जो विद्यालय के प्रधानाध्यापक हैं या प्रभारी प्रधानाध्यापक हैं, वह CLSL की स्वीकृति किससे लेंगे? मैंने CLSL रूल में बतलाया था कि विद्यालय के जो भी शिक्षक हैं, शिक्षिकाएं हैं, वो प्रधानाध्यापक से, प्रभारी प्रधानाध्यापक से CL और SL की अनुमति लेते हैं। लेकिन जो विद्यालय के प्रधानाध्यापक हैं या प्रभारी प्रधानाध्यापक हैं, वह CLSL की अनुमति अपने विद्यालय के विद्यालय प्रबंधन समिति, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के अध्यक्ष से लेंगे। अपना आवेदन पत्र वह विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष के नाम लिखेंगे और उनके द्वारा विद्यालय के प्रधानाध्यापक को आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति दी जाएगी। दोस्तों, इस तरह के आदेश अलग-अलग प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा जारी होते रहते हैं। अगर आपके प्रखंड में भी इस तरह का आदेश लागू है तो आप हमें वहां के नियम से अवगत करा सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि इस लेटर के आलोक में आपने
आकस्मिक अवकाश के नियम जाने होंगे। आकस्मिक अवकाश के संपूर्ण नियम को जानने के लिए साथ ही साथ विशेष अवकाश के विशेष नियम को पहचानने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए वीडियो को जरूर देखें। इसी तरह के यूजफुल अपडेट के लिए नियोजित शिक्षक, शिक्षक नियोजन, डिपार्टमेंटल लेटर आदि सूचनाओं के लिए आप हमारी वेबसाइट www.teacherahmat.com को जरूर विजिट करें। विभिन्न बोर्ड और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आप हमारे YouTube चैनल टीचर रहमत को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा, विशेष रूप से टीचिंग एग्जाम का कंप्लीट स्टडी मटेरियल चाहते हैं, PDF नोट्स चाहते हैं, तो हमसे जरूर संपर्क करें। हमारा संपर्क सूत्र है 7631314948।